देखने लायक चीज है। तो दोस्तों सब मिलाकर बात यही है, आप अगर ये वीडियो दिखाने का पहले सबसे पहले तो अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस है, बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि दिखा पा रहा हूँ कि अपने इलाका का है और बड़ा अच्छा है, बड़ा खुशनसीब हूँ मैं इस चीज़ों को देख पाया। और आप में से कोई अगर इंस्पायर हो तो ये भी सही है, चलो दिखाते हैं इसको। इसमें मैंने पहले भी बताया था यही है वो कार जो फेमस कार से अंधेरा होता है, बस शायद दिखाई भी नहीं करा होगा। तो ये देखिए वो कार है, वो फेमस कार है, हालांकि मैं बाद में इसको एडिट करके बढ़िया से दिखाऊंगा, अभी फिलहाल शूट कर लेता हूँ। ये वो गाड़ी है, ये वो लैम्बोर्गिनी है, देखिए। और आप में से कोई अगर इंस्पायर भी हो तो ये भी कमाल की बातें हैं। तो देखिए खुशनसीब इतना होंगे, करोड़ों का गाड़ी में कभी नहीं बैठा, आज पहली बार इससे अपने गांव में था, अपने यहाँ था, बल्कि अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हुए पहली बार लाइफ में लैम्बोर्गिनी बैठ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसका कंडीशन भी खुला हुआ है, उतना आइडिया नहीं मेरे को, ये भी खुला हुआ है, मेडिकल स्क्रीन ये आप देख सकते हैं, इसको टोटली मॉडिफाई किया हुआ है। शानदार व्यू तो दिखा दो, कहते हैं ना बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो यही है, तो मोटिवेशन इंस्पायर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कह भी नहीं सकता क्या कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ये बैक साइड में हालांकि दो सीटें हैं, तो असली लैम्बोर्गिनी में होता नहीं होता वो नहीं पता मुझे, फिर आगे पर चल जाएगा इसको बहुत शानदार मॉडिफाई करके बना के रखा हुआ है। वही सब है, सब का सब एवरीथिंग है, लेकिन मॉडिफाई करने का तरीका बड़ा शानदार है। तो ये दरवाजा आप देख सकते हो, यही है इस तरह से, ताकि आप सबको जिसको पता होगा बड़ा गर्व महसूस होता है बैठने से, बार बार बैठने से गर्व महसूस होता है, देखिए मजेदार है, कुछ हो ना हो अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। सब बार कहूँ तब भी कम है, अच्छा लगता है, बस यही है इतना करके। अब एक बाय करना पड़ेगा, तो ये वो ही जादुई ही कारीगरी है, यही है एन मारुति कार NH नेशनल हाईवे नंबर 37 मंग बाजार करीम डिस्ट्रिक्ट गुरुचना स्कूल हाई स्कूल रियल्स हिट चैम्बर कार पेंटिंग महेंद्र मारुति कार वेल्डिंग सर्विस ऑल राउंड कार वैसी, कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया गया है। तो ये भाई साहब सामने जो खड़े हैं इनका कमाल है, ये नूरुल हक भाई है, जो कि यार क्या कहे, बहुत ज़्यादा है, बहुत शाबाशी, कुछ ना नहीं मत, खुद को बहुत प्राउड महसूस हो रहा है इसको करते हुए, इसको दिखाते हुए। तो यही सब है, हालांकि लोग काफ़ी बाहर से दूर दराज से आते हैं इसी को देखने, मजाने, शूट करने और ये सब के लिए, कमाल की बातें हैं यार। फिर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कर दिया ऑलरेडी, फिर से शौक हो रहा है, फिर से मन हो रहा है कि इसको शूट किया जाए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो फ़ोटो खींचना ये सब करना देखना, मैं भी उनमें से एक समर्थक के हिसाब से आया हूँ, इसलिए आया हूँ ताकि इसको दिखा सकूँ, किसी को इंस्पायर करूँ, और ना भी करूँ तो कम से कम ये भाई साहब का मेहनत को सलाम कर सकूँ। इसी सलाम को करते हुए यही सब आया हूँ देखने के लिए, बस एक ही बात, एक ही डायलॉग हमेशा घुमा फिरा कर यही आता है बात नज़र में, मन में, यार कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, ज़रा पत्थर तबीयत से मारो यारो, हैं तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आसमान में छेद कर दिया। हालांकि कोई लोग वैसे भी बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ में ये पहली दफ़ा है, पहली बार है जो ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ मतलब कमाल हो गया कि मतलब मुझे वाह लाजवाब शानदार गर्व महसूस होता है। देखिए ये दरवाज़ा वगैरह है, ये सब कैसे करके इन मारुति कार, ये देखिए ये सब इसको मॉडिफाई करते 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 करके कुछ इस तरह से कर दिया, तो भाई साहब ने कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया। दोस्तों भाइयों बहनों कहीं कहीं से भी हो, कुछ भी हो, तो इनको देखो, कम से कम आया करो इसको देखने, निहारने, उसको
मतलब ऐसा करने में, हालांकि मैं इसको मैं बंगाली बंगला में भी कर सकता, पहली दफा कह भी चुका हूँ। देखिए भाई आया है, छोटे भाई है, इसको देखने, तो ऐसा नहीं है, किसी को भी मना नहीं है, आओ देखो, इसको फोटो खींचना है, बातें करना है, कुछ भी करना है, आप आओ। देखो ये बैक साइड का सीटें हैं, ये मॉडिफाई किया हुआ है इसको, ये स्टीयरिंग है, फिर से दिखा देता हूँ, ये सब है, बाकी सब नॉर्मल ही है, मतलब मॉडिफाई वही है, बाउपर से खुला है। मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब यही है, अपनी गला में पहली दफा है, मतलब देख के बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया भी था कि लोगों को ऐसा कुछ करना है, कमाल आ गया, मजा आ गया। मैं भी उतना नहीं हूँ, मैं भी जितना बोल पा रहा हूँ उतना नहीं हूँ, मैं भी सोचती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करता, हालांकि मैं कुछ काम दाम करके खाता हूँ, लेकिन चाहने से मैं भी अपने जो भी अपने हिस्से में, अपने एरिया में, अपने दुनिया में, अपनी जैसे भी जो भी मेरा कर्म है उसमें मैं, अगर मैं भी ऐसा कुछ कर सकता, कुछ कर पाता, जैसे कि मेरा कोई भी काम हो अपना, जो भी प्रोफेशन है उससे अगर मैं ऐसे भी कुछ कर दिखाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो दोस्तों मिलते हैं, तो फिर से एक बार बैठ जाऊँ क्या? जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब आप सभी को। तो ये जो आप थोड़ी देर पहले मैंने लैम्बोर्गिनी आपको लैम्बोर्गिनी दिखाया था, हालांकि करोड़ों में आता है यार, मैं भी खुश किस्मत हूँ कि मैं अपने गांव से, अपने इलाके से, अपने बाजार में एक इसी भाई का कमाल है, इनको सैल्यूट करना तो बनता है यार, आप सब कर सकते हो, इनसे काफी लोग इंस्पायर हो सकते हो। हालांकि हमारे में से समाज में, हमारे बच्चों में, भाइयों में कुछ लोग है जो कि पबजी, मोबाइल, इधर उधर घूमना, बाइक वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ इधर उधर ही रहते। देखिए क्या नहीं हो सकता, किसी ने सच ही कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, जरा पत्थर तबीयत से मारो यारो, अगर पास आसमान में कौन मरेगा, यही कहेगा ना, आसमान में कौन पत्थर, बेवकूफी है कि नहीं। तो इन्होंने ये सब कमाल कर दिया, तो भाई से मिलाता हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, प्राउड रहा होता है यार। चले भाई से मिलते, भाई आपका नाम बताइए। नूरुल हक इनका नाम। आपको क्या ख्याल आया इसको बनाने वक्त, मतलब आपका कैसे, कहाँ से ये इंस्पायर, मैंने आपको हिम्मत या आपको शौक कैसा पड़ा मैंने इसको बनाने के लिए? तो मेरा एक तो सपना था, सुनना था अपना जो सबको क्या लगे, मैं घूमने के लिए बहुत एक तो इच्छा था, तो हुआ नहीं कोई जगह वजह से। जी जी। तो बाद में लॉकडाउन लग गया, तो मेरे पास एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी था, तो उसी को काट के मैंने लैम्बोर्गिनी डिजाइन देना स्टार्ट किया, तो 8 महीना लगा अपने। ऐसा कुछ कर दिया कि बात करने में बड़ा सा दिल फुला जा रहा है, ऐसा गर्व महसूस होता है कि अपने लोगों में से भी ऐसा किसी ने, आप पहली पहला वो बंदा होंगे, आप है तो बहुत सारे लेकिन करते कुछ नहीं है, जैसे कि आपने वो कर दिखाया, वो कर दिया, इतना गर्व महसूस होता है आपसे बात करने के लिए। क्या पूछू, सवाल ही मुझसे बंदे, ऐसा कुछ बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि यार लाजवाब कर दिया आपने, क्या बोलेगा आपको, कितना भी शाबाशी दी जाए, कितना भी, अगर मेरे इस वीडियो से, इसी से अगर आपको भी कुछ किसी को मोटिवेट मिलता है तो क्या बात है। तो आपने इसका एक चीज़ हम नोटिस कर रहा था, इसमें हम कहीं फेसबुक कहीं में हम देखा था इसका, मतलब ये कोई गाड़ी क्या था, कौन सा गाड़ी था? स्विफ्ट गाड़ी था। आपने इसको खरीदा कितना में? वो तो सस्ता में खरीदा, सस्ता में जो भी हुआ वो पर्सनल चीज है। खर्चा कितना है आपको उस पर? 6,20,000। 6,20,000। अभी आप क्या करना चाहोगे, अगला कोई टारगेट है आपको, अगर कुछ आगे भी कुछ करना है या इसको ऐसे रखना है, क्या करना है आपका, अपना नजरिया, आपका जो सोच है वो बता दीजिए। अगर मेरा आसम सर का मुझे ये गाड़ी का मोटरबाइक का एक तो कागज या दूसरा मतलब सरकार का तरफ से अगर मिल जाएगा तो मैं, दूसरा टारगेट भी है फरारी भी एक अगला टारगेट इनका फरारी है। और असम सरकार, हमारे डॉक्टर, हमारे जो सीएम साहब हैं, उनसे पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनसे कुछ मदद की जाए, जैसे कि मैं ऐसा एज अ मामूली आदमी क्या कर सकता हूँ, मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूँगा, मेरे छोटा मोटा चैनल भी है और मेरा छोटा मोटा एक वेब भी है, मैं उससे जितना हो सकता है 4-5, 2-3-4 जितना मैं चल पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ, आपके लिए इतना कर सकता हूँ, उतना मदद कर दूंगा। और रहा सवाल इस बात का, कुछ दिन पहले आपका इसमें इधर में आया हुआ था ये हमारे MLA साहब जनाब अब्दुल अजीज साहब भी आए थे आपके, उनका उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, जे वो आप उनको उनके सामने ये बात रखा है कि आपका जो कागज का जो इशू है, बीच में बात करके एक बार देखेगा और कुछ मदद भी करेगा, ऐसे बोल के गया था मुझे। तो अभी तो क्या नहीं, अभी तो कोई हमारा आहत तालुकदार साहब ने भी बोला था कागज 1 महीने का अंदर में लाइन करके दे देगा, तो अभी तो वहाँ नहीं, वो देख रहा है, लाइन कर रहा है।
अभी तक फाइनली कुछ हुआ नहीं। थोड़ा लॉकडाउन का समय है तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा आपको, थोड़ा सा कागज का ये सब का जो चीजें है इसके लिए थोड़ा सा टाइम, कागज का चक्कर है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। देखिए क्या होता है, नहीं होता है तो फिर दोबारा आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। हमारे से जो होगा, जान भी दे दो यार, मांगो तो क्या देगा। सच में यार बहुत अच्छा काम किया आपके, सच में दिल खुश हो गया। कुछ हो ना हो यार अच्छा लगता है, कोई कुछ करे ना करे, आपने ये कर दिया है। आपका जो भी हो, आप इतने फेमस हो गए हो, आप इतना मतलब लोग जानते भी है आपको, इसका वजह से है कि नहीं, कहाँ कहाँ पहुँचेगा ये वीडियो। इसलिए हिंदी में, आप बंगला में कर सकता था क्योंकि हम एज अ बंगाली बंगला में कर सकता था, एज अ सिलोटिया हम कर सकता था। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हिंदी में अगर करे सभी को समझ जाएगा, बाहर अदर स्टेट अदर कहीं हमारे देश में कहीं भी अगर पहुँचा सके जितना हो सकता है हम कोशिश करेगा। तो भाई तो आपका कागज बनने के बाद अगला टारगेट होगा फेरारी, अब उसका मतलब आगे रखेंगे या सेल वगैरह कुछ का सेल करने का इरादा है? 8 लाख में सेल करने की मतलब आपका इरादा है? जी, तो 8 लाख इसका दाम होगा, बाकी कुछ इधर उधर हो सकता है। हो सकता है, बाकी आप अगर कोई भी खेव इंटरेस्टेड ताहले आमरा रे रियाद जो दिखे होता है ताहले उनार साथे जोगाजोग करते हैं। एमनी उन्नी बोलछेन सरकारी दाम 8 लाख टाका, तारपरे उन्नी आपनार जो ताके माइनस प्लस होते पारे, जानिले आपनारा जो इंटरेस्टेड पार्सन थाकेन ताहले उनार साथे जोगाजोग करते पारेन। ताहले भाई अनेक अनेक धन्यवाद आपनारे। आर कोनो समस्या जेमन गाड़ीटार एई जे नम्बर आमि देखते पाच्छि ना, नम्बरटा नागाल्यान्डेर নাগাল্যান্ডের গাড়ি, গাড়ি কাগজ কেন গাড়ি আসলো? গাড়ি এমনি তো এমনি ঠিকই আছে আপনার গাড়িটা, সব ঠিকই, সব কিছু ঠিকই আপনার গাড়িটা। তবে এসে পার্সোনাল কোই কন্ডিশন বেল দিয়া কিছু খারাপ ইদরো দি তো কিছু এক হালকা পাতলা দুড়া ইদরো দর হে কিছু নেই। আমি তো এসে কিছু নেই, এসে খাবার সঙ্গে একটু টক্সিন সার যাওয়া হয়, ও আজকাল কা আন্দন আজ আ যায়গা তো লাগানোর। আমার গাড়ি আবি পুরো ওকে, बाकी एवरीथिंग इज ओके ना। तो चलो अच्छा लगा, खुश रहो, अच्छा रहो। आपका देर आपको सेलोट अगेन आपको सेलोट। और दूसरी बात, आपका गाड़ी आप यहाँ में कौन सा पोजीशन पे हो, ये गैरेज आपका अपना है या पोजीशन है? अपना अपना है गाड़ी, इसको शो कर देता हूँ आपका गाड़ी है। और आपका फोन नंबर अगर बताना चाहो तो बता दे। मेरा फोन नंबर 8787512946, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9862883738। चलिए मेरा एन मारुति कार केयर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है एन मारुति कार केयर नाम से, आप लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ज्यादा शेयर करो। जी जी, उनका एन मारुति केयर नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग उनको मदद ये नहीं है कि पैसों से, मदद ये नहीं कि बातों से, मदद ये भी है क्योंकि आपको उसको फेमस करने में हम सब उसको, जितने भी हमारे इलाके में बहुत सारे सबके पास स्मार्टफोन है भाइयों। अब वक्त आ गया अपने बंदे को आगे बढ़ाओ। अभी आप लोग अभी हमरा एखन हमरा समय से हमरा निजे लोके रे हमरा आगे नहीं, हमरा उन्हें आगे समर्थन करी, हमरा उन्हें आगे फेमस करी, तुम उन्हें देख करिए देखिए चेन नहीं उन्हीं आलस्य करूँ ना कबू समय जापन जत्न बिना रत्न लाभ ना हो कखन। তো উনি আলস্য করলে এটাও করতে না পারতেন, তাইলে আমার মতন লোক বা অনেক ফেমাস ফেমাস মানুষ আসেন, বা ওনার অনেক নাম দেখেছি অনেক ফেসবুক এন টেন। তো ইসি কো চলতে হুয়ে আপসে ইহি বিদা লেনা চাহেঙ্গে। আর আপ আগর কুছ আগর দূসরা ভি কুছ কহনা চাও, আপকো কোই মেসেজ আপ দেনা চাও তো দে সকতে হো। মেরা ভাই কে চ্যানেল পে জ্যাদা শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, সাপোর্ট করো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপ বহুত বহুত আগে গেইন আপকো সেলুট করতা হুঁ। অফ কিপ ইট আপ, আপ লাগে রহো, হার নহীং মাননা, थके ना कर तू तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कर शपथ। अग्नि का तो डायलॉग आपको याद होगा होगा। तो चलो भाई हो, करो ना करो भाई, आप हार नहीं मानना, आप अपने कोई लगे कहीं कहे ना कहे, आपको माने ना माने, आप कंटिन्यू करते रहो। और कम से कम अपने आप को ये जवाब दे सकोगे कि चलो भाई हमने ऐसा कुछ कर दिया, खुद को आपको अच्छा महसूस होगा, फीलिंग अच्छा होगा, अपना मनोबल अच्छा रहेगा। कोई आपको तारीफ करे ना करे, आपका ये रहे ना रहे, आपको कोई नाने, आप खुद के लिए तो अच्छा लगता है ना मन में, तो वही बात है। और चलते चलते आपका इसको ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए।